दुनिया की हर बात का कारण पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग समय से शुरू होता है। आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु निराकार, जिसे पुरुष कहा जाता है, शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाला, भले से दुनिया पतित में आता है, पतित तन में आता है, पतितों के बीच में आता है, तो भी वो आत्मा आराम महसूस करती है या बेआरामी महसूस करती है? आरामी महसूस करती है। इसलिए वो परम पुरुष है, शरीर रूपी पुरी में पुरुष, शा माने शयन करने वाला, शरीर रूपी पुरी में आनंद से शयन करने वाली आत्मा है। उससे परम पुरुष और इस दुनिया में कोई होता नहीं। हाँ, वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, जिसके लिए गीता में कहा है अर्जुन से, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम्हारा ये जो शरीर है ये युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, अच्छे बुरे कर्म जो भी करेंगे इस क्षेत्र में, जो स्वाहा करेंगे इस यज्ञ कुंड में, स्वाहा करेंगे उसका फल जरूर मिलेगा। ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। क्या इदम शरीरम, ये जो तुम्हारा शरीर अविनाशी है इस सचरूपी रंगमंच पर, जिसका कभी मंच पर विनाश होता ही नहीं, आत्मा तो अविनाशी है ही है, इसके शरीर का भी विनाश नहीं होता, तो ये आत्मा और शरीर दोनों का जो मेल है, उससे जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का फाउंडेशन पड़ता है, वो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड में सभी मनुष्य आत्माएं आज नहीं तो कल ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बन करके अपने कर्मों को स्वाहा करने वाली है। अच्छे कर्म करेंगी तो स्वाहा होंगे, बुरे कर्म करेंगी तो भी स्वाहा होंगे। जैसे राक्षसों ने राक्षसी कर्म किया, हत्याएं की और हड्डियां यज्ञ कुंड में डाल दी, तो अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया? बुरा कर्म किया, तो उनको इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड चलता है, उस यज्ञ कुंड में उनको कहीं न कहीं फल जरूर मिलना है, अच्छे कर्मों का भी फल मिलना है और बुरे कर्मों का भी फल मिलना है। ये शरीरधारी अर्जुन ये यज्ञ पिता है। गीता में बोला, संस्कृत गीता में, कैसा यज्ञ पिता है, जिसके लिए गीता में एक शब्द आया है, परमात्मा। परमात्मा इति उदाहरत, ये परमात्मा कहा जाता है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में ये परमात्मा है, परम पार्टधारी है, परे ते परे पार्ट बजाने वाला,
इस हीरो पार्टधारी के पार्ट को कोई क्रॉस करके नहीं रह सकता। इसलिए गीता में तीन प्रकार की आत्माएं बता दी, एक क्षर, दूसरी अक्षर। और जो क्षर आत्माएं हैं, क्षरित होने वाली, जिनकी शक्ति क्षीण होती रहती है, उनमें भी एक विशेष आत्मा है जिसको कहते हैं परमात्मा इति उदाहरत। इसलिए जब भी हम परमात्मा शब्द बोलते हैं तो परमपिता के बाद ही बोलते हैं, ऐसे कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परमपिता। क्या कहते हैं? परमपिता परमात्मा कहते हैं। जैसे शिव शंकर, कभी कहते हैं शंकर शिव, क्यों? पहले बाप बड़ा होना चाहिए, बाद में छोटा होना चाहिए। तो परमपिता पहले और परमात्मा बाद।